हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। तो दिवाली के मौके पे हम लाए हैं एक और नई लाइट हिफिन कंपनी की। ये इस टाइम मार्केट में सबसे सस्ती एलईडी लाइट आई है सीओबी स्टाइल के अंदर। तो जो मॉडल आप देख रहे हैं इस टाइम 200 वॉट का है बाय कलर। तो जितने भी कॉम्पिटिटर इस टाइम मार्केट में है उनका प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो मेन एडवांटेज इसकी प्राइसिंग है। तो बाकी जो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइटिंग है वो हम इसको खोल के देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइटिंग इसकी कैसी है, कि पावर अच्छी है या नहीं। जो बॉक्स स्पेसिफिकेशन लिखी हो यही लिखी है आपकी 200 वॉट 19,000 ल्यूमेंस, बाकी पावर से चलती है, एसी पावर्ड लाइट है और बाय कलर है 3200K से 5600K। तो देखते हैं इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी कैसी है, आउटपुट कैसा है, उसी पर फिर डिसाइड होगा कि लेने लायक है या नहीं। दो रिफ्लेक्टर के साथ लाइट है, लाइट का साइज छोटा है नॉर्मल लाइटों से, थोड़ा है वही सीओबी क्योंकि मॉडल ही सीओबी है। और ये चिप लगी हुई है और ये हार्ड प्लास्टिक है, मेटल तो नहीं है। और ये डिस्प्ले हो गया आपका, डायल हो गया, ऑन ऑफ का स्विच है। केबल जो है इसमें छोटी वाली केबल है, बाकी उसमें दूसरी लाइट्स में बड़ी केबल आती है जो सीपीयू वाली होती है। इसमें है चार्जर जैसी केबल जो इमरजेंसी लाइट वगैरह या चार्जर में होते हैं, छोटी पिन। बाकी क्लैंप है, क्लैंप स्टैंड में लगाने वाला प्लास्टिक है वो भी। प्राइस कम है तो फिर क्वालिटी थोड़ी सी उस हिसाब से डाउन ही है, लेकिन मेन है आउटपुट। आउटपुट अगर आ गया तो बंदा एडजस्ट कर ही सकता है। तो बोवंस माउंट की लाइट है, इस पे गोडॉक्स की एक्सेसरीज लग जाएंगी सारी। और स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर इन्होंने साथ में प्रोवाइड करा, रिमोट भी करा है। तो रिफ्लेक्टर एक बार मैं लगा देता हूँ फिर इसका आउटपुट चेक करते हैं कैसा आता है। ये स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर है बेसिक सा बोवंस माउंट का, ये लग गया रिफ्लेक्टर। और आपका ये रिमोट है हल्का सा छोटा सा, लेकिन अच्छा है कि रिमोट दिया है इन्होंने। तो मेन चीज जो आएगी इसकी आउटपुट पे ही आएगी। तो इसको अब एक बार प्लग करते हैं इसी लाइट से, बाकी वीडियो करते हैं और सेटिंग्स से प्ले करेंगे। इसको हाई शटर पे भी देख लेंगे कि भाई फ्लिकरिंग आती है नहीं आती। और पावर तो इसकी 200 वॉट कंपनी बोली रही है, वो पता चली जाएगी जब ऑन होगी। प्राइसिंग जो मैं आपको बता रहा इसकी सस्ती है, वही इसका यूनिक पॉइंट है। इसकी प्राइसिंग है अगर 6,500 रुपये अगर हम देखेंगे तो गोडॉक्स, अगर गोडॉक्स से कंपेयर करेंगे तो गोडॉक्स से तो खैर 200 वाट की बाय कलर 22,000 की आती है, 25,000 की आती है, उससे तो बहुत ही सस्ती है। और क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर अगर डिजिटेक की बात करें, डिजिटेक की भी अगर आप 200 वाट की लेते हो बाय कलर तो 15,000 की आती है। तो 15 के अंदर बेसिकली आपकी दो लाइटें आ जाएंगी, 13,000 में दो आ जाएंगी, 2,000 में बचेंगे उस। लेकिन ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी उस हिसाब से कम है, तो परफॉर्मेंस देखना मेन, परफॉर्मेंस ही आपका होगा डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि जिसने प्रोफेशनली काम नहीं करना, अपना एक ही जगह पे स्टूडियो में यूज करनी है, तो वो इस पे इन्वेस्ट कर सकता है। जिसको बहुत स्टर्डी और ब्रांडेड चाहिए तो गोडॉक्स और नैनलाइट डिजिटेक वगैरह सब कुछ ही मार्केट में है। तो एक बार ऑन करके देखते हैं इसको और उससे बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अब इस लाइट का एक्चुअल टेस्ट करते हैं। हमने कैमरा को मैनुअल मोड पे कर लिया, अपना 1/60 शटर है, ISO 100 है और आपका वाइट बैलेंस 5600 की है। तो अब लाइट को ऑन करते हैं और सेटिंग से प्ले करके देखते हैं। तो ये हो गई लाइट ऑन फुल पावर पे। हमने सिर्फ इसको एक नॉर्मल डिफ्यूजर डिफ्यूज करा है कपड़े के, और रिफ्लेक्टर इस पे लगा हुआ है। अब इसके बाद इसका कलर टेम्परेचर को एक बार वेरी करके देख लेते हैं, जिससे आपको क्वालिटी ऑफ लाइट का आइडिया लग जाएगा और टेम्परेचर का भी। पावर तो काफी तेज लग रही है मुझे, ये हो गया आपकी पूरी येल्लो और हो गई आपकी वाइट। मिक्स पे ही जैसे फुल आता है सब लाइट्स में, इसमें मिक्स पे ही फुल आएगा। और अब मेन चीज इसकी देखने है कि भाई इसकी फ्लिकरिंग आती है नहीं आती। तो शटर अभी 1/60 है, अब हम शटर को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, उससे आउटपुट भी कम हो जाएगा लाइट का, लेकिन ये है कि भाई पता चल जाएगा फ्लिकर कहाँ जाके आता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो शटर का वेरियंस करते हैं, देखते हैं फ्लिकरिंग के लिए। 1/60 से स्टार्ट हो रहा है शटर और अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो उससे लाइट का आउटपुट डाउन जाएगा। 1/100 आ जाएगा, फिर 1/125, जो नॉर्मली वीडियो में 250 तक ही लोग करते हैं, उसके बाद तो
सिनेमैटिक फुटेज बनती नहीं है ज्यादा, तो 1/250 पे भी देख लेते हैं। तो अब थोड़ा एक्सपोजर डाउन हो गया है तो हम ISO बढ़ा लेते हैं, ISO को 200 ले जाते हैं। अभी 100 था हमारा ISO, 200 या 400 ISO करके फिर एक बार शटर को 250 से भी ऊपर लेके जाते हैं, देखते हैं कि कितना फ्लिकर आता है नहीं आता। अगर 250 500 तक नहीं आता तो फिर तो यूजेबल लाइट है, फिर किसी भी सिचुएशन में, स्लो मोशन में, हर सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि 120 FPS पे भी अगर आप काम करें तो 1/250 शटर से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर भी 250 500 जो इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं, और अगर कोई लिमिट नहीं है फ्लिकर की फिर तो बस हल्की थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी, आउटपुट तो हमने देख लिया, आउटपुट बहुत तेज है और फ्लिकर फ्री लाइट है तो बहुत यूजेबल लाइट है, सही है। और बाकी इसमें कल को कंपनी को हम बोलेंगे बैटरी वर्जन भी बनाए ताकि इवेंट्स पे भी यूज हो जाए। अभी स्टूडियो के लिए तो काफी अच्छा इसका यूज हो सकता है अगर ये फ्लिकर फ्री लाइटिंग इसकी है, आउटपुट अच्छा है, प्राइस कम है, क्योंकि आप एक की जगह दो ले सकते हैं ऑब्वियसली, 6,500 की एक है तो 13 में 2, और आप उस पर अपने उतने पैसे जो बचेंगे उसके बाद आप सॉफ्ट बॉक्स भी ले सकते हैं उतने पैसे का, तो अच्छा खासा स्टूडियो सेटअप बन सकता है इसका। और स्टूडियो में ही मोस्टली काम हो रहा है, रील्स का काम हो रहा है, फैशन का हो रहा है काम, जो भी मेकअप का हो रहा है, तो सारे काम इंडोर ही होते हैं, प्रोडक्ट शूट हो रहे हैं, तो सब जगह पे इसको आप यूज कर सकते हैं और बिल्ड क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो ही जाएगी। मेन है अभी शुरू में एक आपको बजट सोल्यूशन मिल गया, और बाकी जिसका अच्छा काम है वो तो ऑब्वियसली सबसे महंगी लाइट ले सकता है, लेकिन जिसने स्टार्ट करना है वो बजट फ्रेंडली चीज़ ले और उससे अपना काम निकाले, फिर पैसे कमा के और महंगी ले ले, यही जो हम हर प्रोडक्ट में बोलते हैं। सीधा टॉप मॉडल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो प्रोडक्ट यूजेबल होना चाहिए। अगर पैसे लेके उससे काम ही ना हो, पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं, तो वो भी फायदा नहीं है। ये था आज का दिवाली स्पेशल वीडियो हिफिन की 200 वॉट लाइट का, जो अभी इसी हफ्ते में लॉन्च हुई है और सबसे पहले हमारे पास ही आई है। Thank you for watching and please subscribe to our channel.